नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि सेट टू और सेट थ्री मैं पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो आज मैं सेट थ्री, सेट फोर और सेट फाइव तीनों एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि तीन सेट यानी 28 × 3 = 84 क्वेश्चन इस सेट में है, और ये बहुत VVI क्वेश्चन मैं जो भी करवा रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को याद करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में 35 ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है। ठीक है, तो आइए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है, तो भ्रूण संवर्धन किस में प्रयुक्त होता है? ठीक है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकरण अवरोधकों को दूर करने में भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, DNA शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? DNA शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? इसका राइट आंसर है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग, ठीक है, उत्पन्न होता है, इटाई इटाई रोग कैसे उत्पन्न होता है? ठीक, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्सेनिक के द्वारा इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है, सॉरी कैडमियम के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर कैडमियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो कैलस संवर्धन में जड़ का जो बनना होता है वो ऑक्सिन के द्वारा संवर्धित होते हैं। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका रेप्लिकेशन का एक ऑरिजिन यानी उद्भव स्थल। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको 5 जून को मनाया जाता है। नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? तो नील देह सिंड्रोम जो है वो आपका मेथानोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाले विभिन्नताएं हैं, तो उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाले जो विभिन्नताएं हैं उनका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट नंबर होगा, सोमा क्लोनर विभिन्नताएं। नेक्स्ट है, बाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? बाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर जो है वो है आपका द्वितीयक उपचार। नेक्स्ट है, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? तो नियंत्रक जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। यूकेरियोट्स, ठीक है, यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नियंत्रक जीन की तरह कार्य करता है। दालों में उपस्थित अमोनो अम्ल का जोड़ा है, तो दालों में जो उपस्थित अमोनो अम्ल होता है वो आपका मेथियोनिन और सिस्टीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? वो होगा आपका पेप्टाइड बंध। जब किसी उत्परिवर्तन में यूरिन प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ट्रांसवर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसे एंडोस्पर्मिक कहा जाता है।
पुरुष तथा स्त्री के युग्मक संलयन से क्या निर्माण होता है? तो पुरुष तथा स्त्री के युग्मक संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे जायगोट बोलते हैं। संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। तो दूसरे माह के अंतर्गत भ्रूण में लिम्स और डिजिट्स, जिसे पाद और उंगलियां बोला जाता है, वो विकसित हो जाते हैं। शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो शुक्राणु में आपके जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, वो होंगे, इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, यानी नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिलैक्सिन स्रावित होता है। रिलैक्सिन आपका अंडाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं में शल्य क्रिया के द्वारा बांधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नलिका उच्छेदन, ठीक है, ट्यूबेक्टमी। नेक्स्ट है, नर जर्मिनल कोशिका होती है। नर जर्मिनल कोशिका होती है, तो नर जर्मिनल कोशिका जो होती है वो डाइप्लॉयड होती है। नेक्स्ट है, गोनोरिया रोग, जिसे सुजाक कहा जाता है, तो गोनोरिया रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? तो गोनोरिया रोग जो है वो है आपका यौन संचरण संचारित रोग, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है। तो हाइड्रोफोबिया और एड्स जो है वो वायरस से होता है। बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है टीबी के लिए लगाया जाता है, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल उच्च दूध उत्पादक है? इसका आपका होलेस्टीन हो जाएगा, उच्च दूध उत्पादक। नेक्स्ट वन है, कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? तो बॉम्बडेक मछली समुद्र में पाई जाती है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो आपका मधुमक्खी पालन जो कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। ये आपका 28 क्वेश्चंस हुआ, यानी ये आपका सेट 3 का 28 क्वेश्चंस हुआ, ठीक है। अब हम लोग सेट 4 में जाएंगे, फिर 28 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कच्चे नारियल का दूधिया पानी है। तो कच्चे नारियल का जो दूधिया पानी है वो होता है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, द्रवित भ्रूण पोष। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, उसे आप क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि अभी आपका मैं इस वीडियो में 5 सेट कर दूंगा। 5 सेट में अगर आप, ठीक है, इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अगर 500 लाइक्स, ठीक है, इस वीडियोज़ पे जाते हैं, 500 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो के लिए, अगर 500 लाइक्स इस वीडियो पर जाते हैं तो मैं कल ही आपको, ठीक है, कल ही 28 × 5, ठीक है, यानी 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा बायो का, जिसके बाहर 140 पहले हो गया, यानी 280, इससे बाहर आपका बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कि बायोलॉजी के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है उससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, 500 लाइक्स पुराते हैं तो आपको नेक्स्ट एक ही वीडियो में 140 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चेन समापन कोडॉन है? ठीक है, तो चेन समापन कोडॉन जो है उसे UAA बोला जाता है। नेक्स्ट है, कौन से बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक है वो है आपका नॉस्टक, एनोबेना, ऑस्लिटोरिया, यानी इनमें सभी, ठीक है। नेक्स्ट है,
टीडीएनए पाया जाता है। टीडीएनए किस में पाया जाता है? तो टीडीएनए जो है वो आपका एग्रोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर वीडियो देखिएगा आप, तो आप अपने सेटिंग में जाकर 360 की क्वालिटी पे वीडियो देखिएगा तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग है तो छोटा छोटा टाइप है, तो आप 360 की क्वालिटी पे देखिएगा तो वीडियो आपकी क्वालिटी और आवाज़ की क्वालिटी दोनों आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुन्मलीय प्रागित फूल होते हैं, ठीक है, अनुन्मलीय प्रागित फूल होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वपरागित। नेक्स्ट वन जो है आपका, इनमें से कौन डीएनए के छोटे टुकड़े को जोड़ता है? तो डीएनए को छोटे टुकड़े को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्य की आंत में साधारणतः पाया जाता है उसे हम लोग ई कोलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो मुख्य घटक है उसे जैविक एवं अजैविक बोला जाता है। नेक्स्ट है, नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ युग्मन क्या कहलाता है? तो नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ आपका ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। मेरे आंसर देने से पहले आप चेक कीजिएगा कि आप उसका आंसर दे पाते हो या नहीं, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी तक कैसी है। अगर आप 28 क्वेश्चन में, ठीक है, 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो समझो कि तैयारी आपकी अच्छी जा रही है, नहीं तो अगर इससे कम कर रहे हैं तो आपको तैयारी की बहुत ज़रूरत है। और आप टोटल जितने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ, सिर्फ बायो में नहीं, केमिस्ट्री में तो 280 क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है, और बायो का आज का वीडियो मिलाकर आपका 140 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आज सिर्फ आज के वीडियो में 84 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैथ का भी मैं इस चैनल पे करवा चुका हूँ, इंग्लिश 50 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स, उस पर भी मैं लेटर और कुछ समरी करवा चुका हूँ 100 मार्क्स में, 50 मार्क्स में भी कुछ करवाया हूँ। NRB जो हिंदी है उस पर भी वीडियो, एक वीडियो आया है, उस पर भी कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी जब तक तो आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। तो आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और चैनल पे विजिट ज़रूर करते रहें और बार बार एक ही वीडियो को देखते रहें, इससे क्या है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया है? तो ऑपरन मॉडल जो है वो जैकब और मोनेट ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो वाहक बल है वो है आपका सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो साइट्रिक अम्ल का जो उत्पादन है वो आपका एस्प्राजिलस नाइजर के द्वारा होता है। नेक्स्ट वन, वायु परागकण का सबसे अच्छा उदाहरण है, वायु परागकण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका मक्का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है, राइबोसोम का एक बड़ा झुंड जो कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है, पॉलीराइबोसोम। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किस में है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है वो आपका ऊर्जा प्रवाह में है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? तो इसमें जो जैव उर्वरक है वो आपका माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया, इनमें सभी हैं। कौन सा कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? कौन सा कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? इसका राइट आंसर होगा सर्टली सेल्स, ठीक है, यानी सर्टली कोशिका। नेक्स्ट है, मानव शुक्राणु के बीच में स्थित होते हैं, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक्रोसम यानी अग्रपुंज पाए जाते हैं, तो एक्रोसम जो पाए जाते हैं वो आपका शुक्राणु में पाए जाते हैं, जिसे स्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, गट्ठर एंट्रम किसकी गुहा है? यानी एंट्रम जो है वो किसकी गुहा है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफी पुटक का।
नेक्स्ट वन, मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? तो मानव में जो प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं होती है उसे बोलते हैं सेक्सुअल यानी लैंगिक। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियाँ किस सिद्धांत पे कार्य करती है? ये है अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पे। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, अंडोत्सर किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? इसका होगा LH। और देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव के सेट आए हुए हैं, तो आपको वो सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करवाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करने से एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो ऑब्जेक्टिव का लेवल है, देखिए कि लेवल कैसा है ऑब्जेक्टिव का जो मार्केट में आ रहा है। ऐसे नहीं बुक बेचने के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, तो याद करने से आपको कुछ नहीं होगा। सिलेक्टेड लेवल का होना चाहिए। मैं बोलूँगा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे चैनल पर जो 280 क्वेश्चन का टारगेट ऑब्जेक्टिव चल रहा है उसे पढ़कर जाए और एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, उससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर उधर बुक ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरा दोस्त ये खरीदे, हम भी खरीद लेते हैं, बुक बहुत सारा हो जाएगा और याद कुछ नहीं होगा। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो अंडोत्सर्ग जो है वो आपका LH द्वारा प्रेरित होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है उसका राइट आंसर है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। हिस्टामिन संबंधित है, हिस्टामिन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलर्जी से हिस्टामिन संबंधित है, ठीक है, यानी एलर्जी। नेक्स्ट है, रेबीज का टीका किसने खोजा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप खुद आकर बोलिएगा कमेंट के थ्रू। रेबीज का टीका किसने खोजा था? रेबीज का टीका जो है वो पाश्चर ने खोजा था। नेक्स्ट है, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है, एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए आपको प्रतिहिस्टामिन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये था आपका सेट नंबर 4, ठीक है। तो आपका 3-4 हो गया, अब 28 क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका सेट 5 है, तो सेट 5 का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एंथर में, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है उसे बोलते हैं संरक्षी सतत। नेक्स्ट है, निम्न से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि बोल रहा है, तो जैविक विधि इनमें से आपका कौन सा जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है। तो जैविक विधि बोल रहा है तो परजीविता भी होगा, प्रीडेशन भी होगा और बीमारी भी होगा, ये जैविक विधि है। नेक्स्ट है, मिथानोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट वन, घन कंद का उदाहरण है, घन कंद का उदाहरण आपका ओल है, जिसे कोलोकेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं? तो एक जीन के भिन्न रूप को हम लोग एलील बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ज्वालामुखी से निकली गैस है, परागकण, धूलकण यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है?
आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पे काटता है क्या कहलाता है? आप सिर्फ मेरी बातों की सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा दो तीन बार। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोक्युलेस। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई थी? द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नावाश्चिन। नावाश्चिन के द्वारा द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चेन प्रारंभन कोडोन है? इनमें से कौन चेन प्रारंभन कोडोन है? इसका राइट आंसर होगा AUG। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि। मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की? मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस कॉलनिसिस एवं रॉड्रिक। फ्रांसिस कॉलनिसिस एवं रॉड्रिक ने मानव जीनोम परियोजना की खोज की। नेक्स्ट है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गुरु बीजाणु से। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ट्राइसोमी। किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में किस प्रक्रिया से बढ़ जाती है? इसका राइट आंसर होगा जैव आवर्धन। नेक्स्ट है, BT20 का प्रभाव किस भी कीट वर्ग पर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्लब कोलियोपेट्रॉन, लिपिडोपेट्रॉन और डायपेट्रॉन, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, स्टर्ली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इसका राइट वन आंसर होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो शुक्राणु की उत्पत्ति जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज से होता है, जिसे रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है, माला डी क्या है? तो माला डी गर्भ निरोधक गोलियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरिन एवं हाल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? इसका राइट वन आंसर रासायनिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? मिलर ने प्रयोगशाला में अमीनो एसिड बनाया था। नेक्स्ट है, पहला मानव जैसा प्राणी को क्या कहा गया था? तो पहला मानव जैसा प्राणी को होमो हैबिलिस की कहा गया था। डायनासोर किस काल में थे? डायनासोर जुरासिक काल में थे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा निरोधी टी कोशिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कैंसर कौन है? कैंसर निम्नलिखित में कौन है? लाइपोसा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इनमें सारे कैंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सब कैंसर का रूप है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से भारतीय गायक का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? तो भारतीय गायक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस एंडिक्स। ठीक है, निम्न में से कौन ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है? इसमें आपका एप्टामीन, लैसाजिक अम और वेंजियोडाइजेपीन, सारे का उपयोग किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एड्स एक STD है, इसका संचरण होता है। तो एड्स का संचरण कैसे होता है? रक्त संचरण के द्वारा भी होता है, सेक्स से भी होता है यानी मैथुन से, और दूसरे सुइयों के उपयोग से यानी इनमें सारे से होता है। तो ये थे आज के आपके 28x3 यानी 84 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप ये 500 लाइक्स अगर इस वीडियोस पे, ठीक है, दो दिन में आ जाते हैं, ठीक है, 500 लाइक्स 500 लाइक्स,
तो ऑब्जेक्टिव का 140 क्वेश्चंस मैं और दूंगा, टोटल आपके 280 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और बायोलॉजी में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो देखते रहें, लोगों से शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।